अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेहंदी डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए लैमिनेटेड हैंड प्रिंट कैसे तैयार करें या आपको कहां से मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने ये कुछ प्रिंट बनाई है जिन्हें लैमिनेट किया है, तो मैं एक एक करके आपको सब बताती हूं। ये मैंने करीब 5-6 प्रिंट बनाकर लैमिनेट की है हाथों की, कुछ अपने हाथों की और कुछ मैंने नेट पर से सर्च करके बनाई है। और जो तो ये देखिए कि इस तरह से है, कुछ फुल साइज प्रिंट ली है मैंने फुल हैंड के लिए, और कुछ जो छोटी प्रिंटेड है वो A4 साइज का पेपर है, वो स्टैंडर्ड साइज है A4 साइज, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो लार्ज साइज है तो आपको फोटोग्राफर के पास जाकर इन्हें प्रिंट करवाना है। सारी जो फ़ोटो आप जो देख रहे वीडियो में, इन्हें आपको फोटोग्राफर के पास जाकर ही प्रिंट करवाना है। आप अपने मोबाइल में इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और स्टूडियो में जाकर आप उनसे कहेंगे तो फोटोग्राफर आपको ये प्रिंट A4 साइज के पेज पर निकाल देगा और बस आप इन्हें लैमिनेट कर सकते। तो इस तरह से ये जो तीनों हाथ की प्रिंट आप देख रहे हैं, ये मैंने गूगल पे सर्च करके रॉयल्टी फ्री इमेजेस पर से डाउनलोड किया है और इन्हें इस तरह से लैमिनेट किया। तो ये देखिए बहुत दिन तक चलते हैं और ये ख़राब नहीं होते जल्दी, और हमें पेपर घड़ी घड़ी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बिगिनर से तो ये सबसे अच्छा तरीका है हमें डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखिए ये वाले तीन तो हो गए, अभी मैं आपको जो दूसरा बताती हूँ, ये वाला हैंड, ये मेरे खुद के हाथों की प्रिंट है, ये भी A4 साइज़ हाफ हैंड की प्रिंट है, हाफ हैंड की A4 साइज़ पर प्रिंट निकाली है स्टूडियो में जाकर, और ये इस तरह से रख कर, और इसे भी मैंने लैमिनेट किया है। आप फोटोग्राफर भैया को बोलेंगे तो वो बराबर आपके हाथों का फ़ोटो लेकर उसे इस तरह से प्रिंट करके निकाल देगा और आप उसे ले जाकर लैमिनेट करवाना है। और ये जो तीसरा मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये फुल हैंड है, और ये फुल हैंड है, ये लार्ज साइज़ फ़ोटो है, इसका प्राइस ज़्यादा लगेगा, स्टूडियो में ही आपको फ़ोटो जाकर खिंचाना है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी दुपट्टे पर मैंने अपना हाथ रख कर ये दोनों फ़ोटो खींचा है। तो ये आसानी से आपको ये प्रिंट खुद के हाथों की आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है और नेचुरल लगेगी वीडियो शूट करते वक्त, या फिर आप बिगिनर से तो वो अपने हाथों की प्रिंट ज़्यादा बेहतर होगी कि लार्ज साइज आएगी और आप फ्री हैंड करके आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो बड़े हाथ की प्रिंट पर। तो ये देखिए ये फुल साइज़ है, आपको ये सारी की सारी जो प्रिंट है वो फोटोग्राफर या भैया से कहकर आप निकलवा सकते हो। और ये मैंने हाथ से ड्रॉ की थी अपने ही हाथ रख के मार्कर से, और ये जो बैकग्राउंड देखिए ये वाइट पेज पर इसलिए बनाया कि पीछे का जो हिस्सा है उसे हम कोरे कागज़ जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, और सामने वाला ये जो ये सबसे पहला प्रिंट बनवाया था मैंने, तो ये इस तरह से हम इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं डिज़ाइन की प्रैक्टिस, और जो पीछे वाला इसका भाग है उसके पर हम फूल या फिर कोई बड़ी डिज़ाइंस के लिए शेप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रिंट्स आपको आप खुद ही बना लो या आपके हाथ से या फिर आप डाउनलोड कर लो नेट से, बस आपको ये मोबाइल लेकर जाना है स्टूडियो में, वो कनेक्ट करके नेट पर कंप्यूटर से आपको प्रिंट जितनी बड़ी आपको लगती है उतनी निकाल देगा। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको डिज़ाइन बनाकर बता रही हूँ कि देखिए इसके तो जो दो भागे पीछे का जो कोरा वाला हिस्सा है उस पर हम किसी भी तरह की डिज़ाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप इस तरह से ये वाला प्रिंट बनवा लीजिए, और हाथ के ये देखिए हाथ की भी डिज़ाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते, तो आपके पेजेस भी नहीं भरेंगे। जो पहले हम पेजेस से स्टार्ट करते हैं तो इससे अच्छा है, ये आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी पर ये आपको बेहतर है पेजेस से सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मेहंदी से। और अब ये कोरे साइड से ये देखिए आप किसी भी तरह की डिज़ाइन इस कोरे पेज समझकर आप इस पर डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ये देखिए इस तरह से आप बिगिनर्स हो तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए तरीका कि आप पेजेस पहले पेजेस पे प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि आप इस तरह से एक साइड में प्रिंट हैंड का प्रिंट का कर लीजिए, अपने हाथों को ही मार्कर से ड्रॉ कर लीजिए और दूसरी साइड कोरी रहेगी तो आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने दोनों तीनों तरीके से आपको बता दिया है कि आप किस तरह से लैमिनेटेड प्रिंटेड हैंड की मतलब कहाँ से आप बना सकते हो, किस तरह से बना सकते हो ये। और आप ऐसे कपड़े से पोंछ लोगे तो इस तरह से साफ़ हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा दूसरी बार की प्रैक्टिस के लिए। तो बस थोड़ा गीला कपड़ा लेके आपको ये पेपर साफ़ करना है। तो ये देखिए सारे के सारे पेपर हम इस तरह से बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में दे दी है और अगर आपको और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको वीडियो सबसे पहले कैसी लगी वो कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। ऐसी टॉपिक लेके हम और भी आएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।